सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बेटर हूं। अभी जॉब का तो कहीं पर मेरा कुछ हो नहीं पाया है, बट आज मैं दिल्ली जा रहा हूं किसी काम से दोबारा से। वो मैं अभी आपको रास्ते में बता दूंगा, शेयर कर लूंगा कि कहां जा रहा हूं और क्या काम है मुझको। तो आप बने रहिए, जो भी मेरी कहानी है, जो भी मेरे साथ स्टोरी चल रही है, वो आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। बने रहिए। सफ़र ऑन है और मैं ऑन द वे हूँ। और सफ़र में आपको पता ही है कि अगर कोई अच्छा इंसान अपने साथ हो तो सफ़र और अच्छे से कटता है। तो आज मेरे साथ मेरे जो भैया हैं, जो जिनके साथ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, इनका नाम है योगेश। हेलो हेलो। तो ये योगेश भैया हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो रहा है, पहुँच जाएंगे। तो जो भी उधर पर मुझे काम है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा कि किस लिए जा रहा हूँ, मेन काम के लिए, वो मैं आपसे बताता रहूँगा। तो अभी तो सफ़र का आनंद है मेरे साथ, लीजिए आप भी। और मैं भी अभी आनंदा भैया हूँ, चलते रहते हैं। तो ओके गाइज, अभी एक जगह पे स्टे लिया है, थोड़ी देर के लिए रुके हैं एक जगह पर, और वहाँ पर थोड़ा रिफ्रेशिंग लेंगे, थोड़ा कुछ पीते हैं यार, गर्मी हो रही है। और जो भैया हैं मेरे साथ वो भी चाय पानी पियेंगे, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, तो अभी बीच में ही है, देखते हैं। मैं देखता हूँ मैं क्या खाता हूँ या पीता हूँ, खाने का तो भूख है नहीं, बस पी लूँगा बट कुछ। इधर पे वो स्टंटबाजी चल रही है ये देखिए। तो ये देख सकते हैं आप कैसे स्टंट किया है अभी भी नहीं मिली उनको। डन, एंड ऑफ द डे अपने हाथ से ही खिलाया उन्होंने। तो देखा आपने कैसे इधर पर ये अभी आइसक्रीम उन्होंने खिलाई उनको। देखिए गाइज, इधर पर ये इस तरीके से जहाँ पर अभी रुके हैं हमारे जो भैया हैं साथ, वो अभी खाना खा रहे हैं इधर पर, और मैं इधर पे वेट कर रहा हूँ। जहाँ पर भी रुका हूँ वहाँ पे वॉशरूम में आया हूँ अभी मैं, और आप देख सकते हैं कितना हाइजीन और कितना क्लीन रखा हुआ है, कितना अच्छा। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, कितना बहुत अच्छी साफ सफाई भी है यहाँ पर। A few inches later. तो ओके गाइज, मैं अभी तिलक नगर आ चुका हूँ, मतलब दिल्ली में आ चुका हूँ, तिलक नगर में हूँ अभी इस टाइम पे। मैं मेट्रो की पार्किंग में अपनी स्कूटी निकालनी है मुझे, थोड़ा शोर ज़रूर आ रहा होगा आपको, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ आवाज़ में आपको बता पाऊँ। ये देखिए तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हूँ मैं। रोड क्रॉस करना भी चैलेंज होता है यहाँ पर। अरे यार, ये बस फिर आ गई सामने से। देखिए गाइस, ये मेट्रो की पार्किंग है तिलक नगर की। मैं पिछले 10-15 दिन को ऑलमोस्ट हो चुके हैं, शायद उससे ऊपर ही, तो मैं अपनी स्कूटी खड़ी कर गया था यहाँ पे, मैं वही लेने आया हूँ अभी। देखता हूँ मेरी स्कूटी कहाँ है, कैसी है, वेट। तो ये देखिए गाइस, ये मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, मेरी स्कूटी है जो खड़ी हुई है, कितना बुरा हाल हो रखा है इसका। ये मेरी स्कूटी है जो खड़ी हुई है, कितना बुरा हाल हो रखा है इसका। कोई नहीं, इसको मैं करता हूँ ठीक। अभी गाड़ी में फ्यूल कम हो गया था, खत्म हो गया था, तो हम वो भरवाने के लिए अभी रुके हैं। तो ये देखिए गाइस, अभी हम बीच में से जब आ रहे हैं रास्ते में, तो देखिए किस तरह का जुगाड़ है। वो कूलर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ट्रक में, वो देखिए। अभी थोड़ा ये बस आगे आ रही है, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, थोड़ी देर रुके। ये देखिए, ये देखिए इधर पर ये कूलर लगा हुआ है, यह है अपना भारत देश, जुगाड़ों से भरपूर एकदम। यार ये बस आ गई, और ये, अरे यार ये देखिए गाइस, ये दिख रहा है आपको, ये देखो कूलर लगा रखा है।
एसी के पैसे बचा लिए बंदे ने। अरे यार मैं वो स्कूटी जहाँ पर मैंने पार्किंग में लगाई थी वहाँ पर कुछ एक इशू हो गया था आज मेरे साथ पता नहीं क्यों गलत ही गलत हो जा रहा है। आज मेरा जब जहाँ से पार्किंग में मेरे को स्कूटी लेनी थी वहाँ पर मेरा पर्स गिर गया था। मैं बहुत देर तक बहुत ज़्यादा परेशान रहा, उसके बाद दोबारा पता चला उसी पार्किंग में जाकर कि वो पर्स उन्होंने और वो अच्छे लोग थे जो उन्होंने रख लिया था। तो अभी मैं दोबारा से स्कूटी मैंने जहाँ पर जिसको स्कूटी को जहाँ खड़ी करना था मैं खड़ी कर चुका हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ इधर से। तो मैं एक जगह अभी रुका हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भी निकलता हूँ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए। वो भैया रुके, उनको कोल्ड ड्रिंक चाहे जो भी पीना है वो पीते, मैं तो कुछ। तो मिलते हैं आपसे, बने रहिए।